हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कैसे मैकओएस कैटलिन के ड्राइव को फिक्स कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम पीसी पे। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड कैसे आपको फिक्स करना है। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, पहले आपको चेक कर देता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें सक्सेसफुली मैकओएस कैटलिन में इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकओएस कैटलिन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रखा है। ये डेल 3542 लैपटॉप इंस्टॉल है। इसमें 4 GB रैम आपको मिल जाती है और इसमें इंटेल का SGX ग्राफिक मिलता है, वही सपोर्टेड है। और इसमें i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो मैंने जो मैकओएस कैटलिन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई ड्राइवर वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। और डिस्प्ले ड्राइवर आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर जो कितने एमबी आपको शो कर रहा है। तो इसमें ड्राइवर कैसे फिक्स करना है वो दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको क्लोवर .configuration का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉन्फिगरेटर, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको सिंपली क्लिक के ओपन करना है। आपको यहाँ पे माउंट EFI का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करना है। जैसे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे माउंट पार्टीशन आपको मिल जाएगा, तो माउंट पार्टीशन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पॉप करके विंडो शो करेगी। आपको फ्रेंड यहाँ माउंट डॉट पार्टीशन क्लिक करना है। एक मिनट से क्लोज करके फिर बता देता हूँ। यहाँ माउंट डॉट पार्टीशन क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से विंडो खुलेगी पॉप अप करके। तो यहाँ पर आपको मैक का जो पासवर्ड है, आपको वो पासवर्ड यहाँ पर सिंपली एंटर करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको माउंट डॉट ओपन पार्टीशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से क्लिक करके आप अपना पार्टीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको EFI का जो फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर के अंदर आपको क्या कहते हैं ये फाइल्स इंस्टॉल करने की, क्लोवर की और क्या कहते हैं बूट की, दो फाइल इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बाकी एडिशनल फाइल्स हैं क्योंकि मेरे सिस्टम पे ट्रिपल बूट है। यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट और Ubuntu और मैक 3 को मैं रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं 3 फाइल शो कर रही हैं। तो यहाँ पे क्लोवर फाइल को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको कैस्ट फाइल दिखेगी, कैस्ट के अंदर अदर फाइल जो है, इसके अंदर आपको जितने भी कैस्ट आपको मैं बताऊँगा वो यहाँ पे प्लेस करने हैं। तो वन बाय वन आपको फ्रेंड्स कैस्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अगर आप टच ड्राइवर फिक्स करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, अगर आप मैकओएस कैटलिन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो टच ड्राइव फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो है एप्पल का PS2 स्मार्ट टच पैड, ये किसी लैपटॉप में वर्क करता है। और एक क्या कहते हैं उसका टच आई पैड दूसरा आता है, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वो वर्क करता है। तो मेरे में ये वाला सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट नहीं करता। उसको वो वर्क करता है बट उसमें राइट क्लिक फंक्शन काम नहीं करता, पर इसमें राइट क्लिक परफेक्टली काम करता है। जैसे मैं इंस्टॉल है तो मैं यहाँ राइट क्लिक आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो उसको इंस्टॉल करने से नहीं होता, तो आपको मैं दोनों दे दूँगा, उसमें फिक्स कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आपको इंस्टॉल का HD ग्राफिक है तो आपके लिए EFI इंस्टॉल करना है। इथरनेट के लिए फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगा। इथरनेट के लिए वेरी करता है कि आपके कौन सा कार्ड है। तो आपके लिए कैस्ट फाइल डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आपको सर्च करके कर सकते हैं। अब बाकी सारी आपको फाइल्स इंस्टॉल करनी है तो कंप्लीट इसका EFI का फोल्डर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें तो फिर वाईफाई ड्राइवर, जो मेन इंपॉर्टेंट है जिससे इंटरनेट आपको चलाना है। तो वाईफाई ड्राइवर फ्रेंड वेरी करता है आपके में कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है। तो मैं आपको 3 वाईफाई ड्राइवर का लिंक दे दूँगा, ये इनमें से आपको तीनों ट्राई करके देख लेना आपके में कौन सा वर्क करता है। एट ए टाइम आपको एक ट्राई करना है। जैसे आपने ये ट्राई किया तो आपको सिर्फ ये फाइल्स आपको अदर फोल्डर में पेस्ट करनी है। उसके बाद जैसे अगर ये वर्क नहीं है तो उसको रिमूव करके दूसरी फाइल को पेस्ट कर देना है। और ये फिर तीसरी फाइल को ट्राई कर सकते हैं इस तरह। फ्रेंड सक्सेसफुली जब आप कॉपी पेस्ट कर देंगे अदर फोल्डर के अंदर, आपको बताओ फिर से बता देता हूँ, EFI ओपन करके क्लोवर टेक्स्ट अदर, इसके अंदर आपको वो सारी जो EFI फॉर फोटेशन की फाइल में दिखाई थी, तो आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर सीधा सेलेक्ट करके और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है दैट। और उसके बाद सिंपली आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करके आपको फ्रेंड क्या कहते हैं, सिंपली क्लोज करके यहाँ से रिस्टार्ट कर देना है। इसका एक प्रोसेस फ्रेंड कंप्लीट हो गया। अपने रिस्टार्ट होने के बाद आपके वाईफाई ड्राइवर सक्सेसफुली वर्क करने लगेगा। इसके टच पैड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो सारा रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो के नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।